हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी, जो रेसिपी मुझे बताई है मेरी मम्मी ने, और यकीन मानिए फ्रेंड्स कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं तोरी के छिलकों की, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं हमने तोरी के छिलकों को अच्छी तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में 1 से 1.5 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफेद तिल, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन्हें अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे तोरी के छिलके जो हमने बारीक काट के रखे थे। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है, और तब तक चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से पककर तैयार ना हो जाए। और एक बात हमें याद रखनी है कि गैस का जो फ्लेम है हमें लो ही रखना है, और इसे बार बार बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए और ऊपर से कच्चा ना रह जाए। जब तक हमारी सब्जी पककर रेडी हो रही है, तब तक फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि आपने ऐसी सब्जी कभी ट्राई की है या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी न्यू रेसिपीज हमेशा मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से पक गया है, हमने इसे थोड़ा सा भी जलने नहीं दिया है, ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका है, और अब आप इसे रोटी के साथ या ऐसे ही खा सकते हैं।